हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि जो आपका बिजनेस आइडिया है वो अच्छा आइडिया है भी या नहीं। देखिए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके की। ये साइंटिफिक तरीका हर MBA कॉलेज में पढ़ाया जाता है। अगर आप MBA कर चुके हैं तो आपको इस तरीका ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगर आपने MBA नहीं किया है तो शायद आपने इस तरीके के बारे में नहीं सुना होगा और ये तरीका आपको जान लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको कई लोग बताएंगे कि ये बिजनेस आइडिया अच्छा है, वो बिजनेस आइडिया अच्छा है, आपके दिमाग में भी 10 बिजनेस आइडियाज आएंगे, लेकिन कैसे सबसे पहले आप ये जज कर सकते हैं कि आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है कि नहीं। इस चीज को जानने के लिए दोस्तों जो हम तरीका यूज करने वाले हैं वो है SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस जो तरीका है दोस्तों, वो हर बिजनेस स्कूल में, जैसे कि मैंने बताया, पढ़ाया जाता है। इस तरीके से आप ये हमेशा जान पाएंगे कि आपका जो बिजनेस है, जो आपका बिजनेस आइडिया है, वो सही है भी या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, SWOT की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने बिजनेस आइडिया को हमेशा 4 सेगमेंट में डिवाइड करना है। आप एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाइए, ऊपर लिखिए S यानी कि SWOT, इस साइड लिखिए W यानी कि वीकनेस, इस साइड लिखिए O यानी कि अपॉर्चुनिटी, इस साइड लिखिए T यानी कि थ्रेट। ये क्या होता है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है हमारी कंपनी से रिलेटेड। जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमारी कंपनी की या फिर हमारे आइडिया की स्ट्रेंथ होने वाली है, यानी कि हमारी खासियत होने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मैं एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बना रहा हूं जो कि लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ाएगी, यानी कि मैं एक ऐसी कंपनी बना रहा हूं जो ऑनलाइन लोगों को पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, सेविंग कैसे होती है, पॉलिसी कैसे डिसाइड होती है, कितना पैसा बचाएं, कितना पैसा खर्च करें, ये सब चीजें सिखाने वाली। अगर मेरी कंपनी ये है तो मैं सबसे पहले स्ट्रेंथ लिखूंगा अपनी कंपनी की। स्ट्रेंथ कैसे लिखूंगा, मैं और कोई कंपनी के बारे में नहीं सोचूंगा, वर्ल्ड में मेरे कौन से कॉम्पिटिटर है, क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, जो मेरा कोर बिजनेस आइडिया है उसके बारे में सोचूंगा। मैं लिखूंगा स्ट्रेंथ, जैसे मेरी पहली स्ट्रेंथ ये हो सकती है मैं ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ तो मैं सबको रीच आउट कर सकता हूँ। मेरी दूसरी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि मेरे को खुद को पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफी नॉलेज है, इसलिए मैं इसके बारे में काफी पढ़ा सकता हूँ। मेरी तीसरी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि मैं ऐसे 40 लोगों को जानता हूँ जिसको इसके बारे में नॉलेज है, तो वो लोग इसमें पढ़ाने वाले हैं, तो ये मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ हो सकती है। चौथी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि मेरे पास 15 लाख रुपए हैं तो मैं इस कंपनी को अगले 3 साल तक चला पाऊंगा, तो मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप है। यानी कि आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपके आइडिया से रिलेटेड, आपकी सिचुएशन से रिलेटेड जो भी आपकी खासियत है, वो सारी की सारी खासियत आप स्ट्रेंथ में लिस्ट कर सकते हैं। जब आप स्ट्रेंथ लिखते हैं अपनी कंपनी की, तो आपको ये समझ आता है कि आप कैसे और कंपनी से अलग हैं, आप कैसे बेहतर हैं। ऑब्वियसली आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपका आइडिया और रिफाइन होता है। अगर आप 10 स्ट्रेंथ नहीं डिफाइन कर सकते हैं तो यूजुअली आपका आइडिया इतना अच्छा नहीं होगा, या फिर मिनिमम टू मिनिमम आपको 7 स्ट्रेंथ्स डिफाइन कर लेनी है जो कि काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए हाँ ये मेरी खासियत है, ये मेरी मजबूती है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो है वीकनेस, यानी कि W से वीकनेस। वीकनेस भी आपकी कंपनी से रिलेटेड होगी। जैसे एक वीकनेस ये हो सकती है कि मुझे पर्सनल फाइनेंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। एक वीकनेस ये हो सकती है कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं अलग अलग लोगों को हायर कर पाऊँ। आपको बेसिकली वीकनेस के अंदर जो भी आपकी कंपनी से रिलेटेड वीकनेस आपको फील होती है, वो वीकनेस लिखनी है। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम किसी आइडिया के बारे में सोचना शुरू करते हैं हमें सिर्फ स्ट्रेंथ दिखती है, लेकिन जब हम उस आइडिया को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें वीकनेस दिखनी शुरू होती है। आपको इतना डिटेल में चीज को सोच लेना है कि आप वीकनेस लिस्ट करते हैं। याद रहे दोस्तों, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं लिखना है। यानी कि ये आपके आइडिया से रिलेटेड, ये आपकी कंपनी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। इसमें आपको कंपटीशन ज्यादा नहीं जोड़ना है, मार्केट कहाँ जा रही है वो सब ज्यादा नहीं जोड़ना है। जैसे कोरोना वायरस नहीं जोड़ना है वीकनेस में, कोरोना वायरस चल रहा है क्योंकि वो एक अलग सी चीज है। आपको जोड़ना है आपकी कंपनी की वीकनेस विदाउट थिंकिंग कि बाकी इन्वायरमेंट क्या है। अगर दोस्तों आप स्ट्रेंथ और वीकनेस सही से लिस्ट कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी आपके बिजनेस आइडिया के बारे में वही आ जाएगी कि कितना आप पानी में है, आपका आइडिया कितना अच्छा है। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो वीकनेस को ओवरपावर कर रही है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की तरफ बढ़ना है। देखिए दोस्तों, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी था। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी का मतलब ये कि जो भी आपका बिजनेस आइडिया है वो कहाँ जा सकता है, उसके पोटेंशियल क्या है, बेसिकली आपको वो लिस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा आइडिया पर्सनल फाइनेंस है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिया में पर्सनल फाइनेंस जो है वो 13 से 25 साल के लोगों को पढ़ाया जाएगा। 13 से 25 साल की जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो 75% से ज्यादा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आज आज की डेट में काफी ज्यादा बढ़ चुका है और आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ जाएगा, शायद आने वाले 5 साल में अराउंड 95-100% भी हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भैया सबको इंटरनेट मिल जाएगा और आप इंटरनेट पर कंपनी बनाना चाहते हैं तो काफी चल जाएगी आपकी कंपनी। दूसरी चीज, आने वाले 5 साल बाद हो सकता है कि जो 13-25 साल के लोग हैं इसमें से 70% लोग पैसा कमाने लग जाए, ये सारे लोग आपके प्रोडक्ट्स को, आपके एजुकेशनल वीडियोस को यूज करना चाहेंगे, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप कंपनी से रिलेटेड बात नहीं कर रहे, यहाँ पर आप सिनेरियो से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मार्केट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसीलिए अपॉर्चुनिटी एक एक्सटर्नल फैक्टर होती है। अगर आप ये सब लिख लेते हैं तो आपको समझ आएगा कि क्या आपका बिजनेस आइडिया सिर्फ आज के लिए तो नहीं बना, शॉर्ट टर्म तो नहीं है। अगर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस आइडिया होता है तो वहां पर अपॉर्चुनिटी काफी बढ़िया लिख सकते हैं। यूजुअली अपॉर्चुनिटी ये इंडिकेट करती है कि क्या आपका बिजनेस आइडिया जो है वो लॉन्ग टर्म है भी या फिर नहीं। जब आप ये सब लिख लेते हैं दोस्तों, तो फिर हम बात करेंगे चौथी चीज की, जो है थ्रेट। थ्रेट यानी कि ऐसे कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को फेल कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि ऐसी कोई पहले से कंपनी एग्जिस्ट करती हो जो बहुत ही करोड़ों रुपए कमा रही हो, बहुत सारे कस्टमर हो, तो हो सकता है आप उसको कभी बीटी ना कर पाए, तो ये एक थ्रेट हो सकता है। एक और थ्रेट हो सकता है कि आप जो बिजनेस आइडिया करना चाहते हैं, हो सकता है उसमें फिजिकल मीटिंग इन्वॉल्व हो और आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी कोरोना चल रहा है तो अभी वो सब हो ही नहीं पाएगा, लॉकडाउन लग सकता है, लोगों से मिलने में दिक्कत हो सकती है, लोग मिलने में डर सकते हैं, तो हो सकता है आपका बिजनेस आइडिया फेल हो जाए। थ्रेट भी हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या कोई बड़ा कॉम्पिटिटर तो नहीं है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो लीगल पॉलिसीज के अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवीन तो नहीं कर देगी, क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कल को कोई आपको कॉपी कर ले एकदम से और आप एकदम खत्म हो जाए, ये सब थ्रेट हो सकते हैं। ये सारे थ्रेट्स भी आपको मैंशन कर लेने। जब भी आपको कोई बिजनेस आइडिया मिलता है तो स्ट्रेंथ लिखिए, स्ट्रेंथ के अंदर अपने आइडिया के बारे में बात कीजिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात कीजिए, फिर वीकनेस लिखिए, वहाँ पर भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात कीजिए, आपकी कंपनी क्या गलत कर सकती है, क्या आपके आइडियाज में बुरी बुरी चीज़ है, वो सब चीज़ें लिखिए। फिर अपॉर्चुनिटी की बात कीजिए ताकि आप लॉन्ग टर्म समझ पाएं। फिर थ्रेट्स की बात कीजिए ताकि आपको समझ आए कि नहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बढ़िया है लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, गवर्नमेंट ऐसी खराब है या फिर कोई ऐसा बड़ा कॉम्पिटिटर है जो आप सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपके बिजनेस को फेल। अगर ये चारों चीज़ें आप बहुत डिटेल में लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है आधा घंटे में हो जाएगा ये सब, इसको बढ़िया से लिखिए, बढ़िया से रिसर्च करके लिखिए, बढ़िया से सोच के लिखिए, एक आध हफ्ता इस चीज़ पे दीजिए, एक बढ़िया सा स्वॉर्ड बनाइए जो सिर्फ भरने के लिए ना हो, बिल्कुल प्रॉपर हो। अगर एक अच्छी स्वॉर्ड बन गई है, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वीकनेस और थ्रेट को ओवरपावर कर रही हैं, तो ये बिजनेस आइडिया अच्छा है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर थ्रेट और वीकनेस आपके स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को ओवरपावर कर रही है, इसका मतलब ये आइडिया अच्छा नहीं है, आपको यहीं रुक जाना चाहिए। आप चाहें तो अपनी स्वॉट एनालिसिस को बड़े बड़े लोगों को दिखा सकते हैं, जो आपको लगता है कि काफ़ी नॉलेज रखते हैं उन लोगों को दिखा सकते हैं, टीचर्स को दिखा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं देखने के लिए कि आपकी स्वॉट जो है वो अच्छी है कि नहीं है, और एक बढ़िया स्वॉट बना के आप बिजनेस आइडिया को जज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आभार।